सुकमा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल आईईडी ब्लास्ट में दो जवान घायल हो गए हैं। डीआरजी पाथी पर नक्सलियों ने हमला किया था। गोगुंडा के पास ये हादसा हुआ है। घायलों को रायपुर भेजा जा रहा है। एसपी शलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि भी की है और जिले के सबसे ज्यादा नक्सली कोर एरिया में घुसी डीआरजी पाथी पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया है, जिसमें दो जवान घायल हुए हैं। नक्सलियों के सबसे सेफ जोन कहा जाने वाला गोगुंडा के पास ये दुर्घटना घटित हुई है। घायलों को जल्द ही हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाए जाने की तैयारी की जा रही है। एसपी शलभ सिन्हा ने इस घटना की पुष्टि भी की है। तो बड़ी खबर सुकमा से आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार शिवा यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवा, नक्सली हमला हुआ है, इसमें कुछ जवान घायल हुए हैं, क्या फिलहाल स्थिति बताई जा रही है और घायलों की क्या हालत है? जी, मैं आपको बता दूं, गोगुंडा फुलबंगड़ी थाना क्षेत्र का वार्ड क्षेत्र है, जहां पर फोर्स भी अमूमन साल में एक आध दो बार ही जा पाती है। काफी नक्सली हार्ड कोर एरिया माना जाता है, नक्सलियों का जमावड़ा हमेशा वहां देखने को मिलता है। वहां डीआरजी के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जहां आज सवेरे तड़के ही नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें दो जवान घायल हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित रायपुर ले जाने की कोशिश जारी है ताकि उनको उचित उपचार मिल सके। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिवा। और अब